आंदोलन कर रहा पे। मैं दिल्ली में जब से काम कर रहा हूँ वही माहौल पूरा पंजाब का दिख रहा है, चारों तरफ वही माहौल दिख रहा है, बाजारों में, गांवों में, कस्बों में, जहां भी जाते हैं। डिप्टी सीएम साहब, दिल्ली का रिकॉर्ड खतरे में है। मैं कहीं सभा में जाता हूँ, मुझे कहते हैं अभी एक मोर मंडी में सभा में उतरा अपनी गाड़ी से, उतरा गाड़ी से उतरते ही मुझको एक बहुत बुजुर्ग मिले मुझे बोले तुझे डिप्टी सीएम हो। मैं हाँ जी क्या हुआ, लगते तो नहीं हो। मैंने कहा क्या हुआ, बोले लाल बत्ती कहाँ है, 2 साल हो गए दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए, जिस दिन शपथ ली थी उसी दिन आदेश दे दिया था ये सरकारी गाड़ी से लाल बत्ती उतार के रख दी जाए नीचे, राष्ट्र लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठा। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, बोले हमारे यहाँ एक डिप्टी सीएम है, वो जब आता है तो उससे पहले तो डॉन स्क्वाड आता है, कुत्ते सूंघ रहे आते हैं। मैंने कहा चिंता मत करो, 11 मार्च के बाद में पंजाब का डिप्टी सीएम भी ऐसे ही घूमा करेगा आपके बाद में, 11 मार्च के बाद पंजाब में भी ऐसे ही डिप्टी सीएम मिलने वाला है आपको, जो आपके बीच में ऐसे ही घूमा करेगा, उसके आगे डॉग स्क्वाड नहीं होंगे, पीछे पुलिस वाले नहीं होंगे, चिंता मत करो। क्योंकि मैं दिल्ली के डिप्टी सीएम 2 साल से एक भी दिन, एक भी जवान, एक भी सिक्योरिटी का साथ लेके नहीं चला। जिस दिन शपथ ली थी उसी दिन लिख के अफसरों को कह दिया था मेरी सारी सिक्योरिटी हटा लो, मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में रहूंगा, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। और आज 2 साल हो गए दिल्ली के सारे मंत्री ऐसे ही घूमते हैं, और छोड़ दीजिए दिल्ली, पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 117 सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने कहा चुनाव का पर्चा दाखिल करने के बाद कि आपके कैंडिडेट को सिक्योरिटी मिलेगी। 117 के 117 कैंडिडेट ने खड़ा होकर चुनाव आयोग को लिख के दे दिया हमको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, बिना सिक्योरिटी के चुनाव लड़ेंगे, और एमएलए मिनिस्टर बनने के बाद बिना सिक्योरिटी के जनता ना घूमेंगे, बिना लाल बत्ती की गाड़ियों में जनता ना घूमेंगे। नई राजनीति की कहानी लिख दीजिए जलालाबाद वालों, नई राजनीति की कहानी पूरे पंजाब में लिखवा दीजिए। वोट मांगने की औपचारिकता करने नहीं आया। मैं जब से मंत्री बना हूं दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी से मैंने पूछा था पहला बजट बनाते हुए कि मुझे बताओ क्या करना है, बजट कैसे बनाना है, गाइडलाइन क्या है। एक लाइन की गाइडलाइन दी थी अरविंद केजरीवाल जी ने, और मैं चाहता हूं जलालाबाद के बच्चे बच्चे की जबान पर वो गाइडलाइन हो, और पंजाब के एक एक आदमी को वो गाइडलाइन अगले 4 दिन में रखवा दे। एक लाइन की गाइडलाइन है। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझसे कहा, मुख्यमंत्री जी ने, कि अगर स्कूल बनाने में और पुल बनाने में एक को चुनना हो तो स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल अपने आप बनवा देना। उन्होंने कहा कि स्कूल बनाने में और पुल बनाने में अगर पहले को चुनना हो तो स्कूल बनाना चुन लेना, स्कूल में बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल को अपने आप बना लेंगे। आज मैं ऐलान कर रहा हूं जलालाबाद में कि पंजाब की अगली सरकार इसी गाइडलाइन पर चलेगी। पंजाब में सबसे पहले स्कूल बहुत ठीक की जाएगी, और सिर्फ बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल नहीं, आम गांवों में किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, व्यापारियों के, दुकानदारों के बच्चे जहां जाते हैं, नौकरी करने वाले लोगों के बच्चे जहां जाते हैं, सरकारी स्कूलों की हालत ठीक की जाएगी सबसे पहले। और मैं चाहूंगा, मनीष जी डिप्टी सीएम है, दिल्ली सरकार चला रहे हैं, मैं चाहूंगा ये बताएं कि जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को अमेरिका से ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी यही है, तो उसके बारे में जरूर बताइए। दिल्ली में आप सारे लोग तो, पंजाब में तो खूब इंटरनेट के यूजर हैं, गूगल आपके, यूट्यूब आपके मोबाइल पर रहता है, यूट्यूब करके देखिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, आपको देखने को मिलेंगे ऐसी तस्वीरें, आपको यकीन नहीं होगा कि वो प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग है कि गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग है। ऐसे बदलाव करवा रहे हैं, 1000 स्कूल है, कई स्कूलों की बिल्डिंग 2 साल में बदलवा के प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया करवा दी है। एक चीज और देखना, सुनील पूर गवर्नमेंट स्कूल, आप सोच नहीं सकते कि देश में कोई गवर्नमेंट स्कूल के बारे में कोई सरकार आके स्विमिंग पूल बनवाने का सोचेगी। आज दिल्ली सरकार है जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, हम वहां स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। आप देखिए ना वीडियो, उनके बच्चे खुश हैं, वहां पे स्विमिंग सीख रहे हैं। और जो भगवंत भाई ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरविंद जी की गाइडलाइन पे काम करते हुए हमने शिक्षा पे काम किया। आज दिल्ली देश की पहली सरकार है जो अपने बजट का 1/4 25% एजुकेशन पे खर्च कर रही है, और कमीशन पे खर्च नहीं कर रही, उससे ईमानदारी से खर्च कर रही है,
हम दिल्ली के प्रिंसिपल्स को, दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं ताकि वो वहां से पढ़ के आए और हमारे बच्चों को अच्छा पढ़े, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल की हवस। अपने टीचर्स को मैं सिंगापुर और फिनलैंड भेज रहा हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है एजुकेशन का फिनलैंड में। मैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग लेने के लिए भेज रहा हूँ ताकि वो वहां से, हमारे स्कूल के टीचर, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर वहां से सीख के आए और आम आदमी के बच्चों को पढ़ाएं। किसी भी शहर के 100 बच्चों के लिए एक बढ़िया प्राइवेट स्कूल खोल देना, वो तो सबको आता है। किसी भी शहर के 100 बच्चों के लिए, 100 बड़े परिवारों के लिए, लेकिन गरीब से गरीब आदमी के लिए बढ़िया एजुकेशन देना, ये हमने जिम्मेदारी ली। आज मैं कह रहा हूं पंजाब के, दिल्ली में हमने शुरू कर दिया और पंजाब के लिए आपसे मांगने आया हूं कि दिल्ली और पंजाब के बच्चों की किस्मत का फैसला इस बात से नहीं होगा कि वो अमीर बाप के बच्चे हैं कि गरीब बाप के, बल्कि सरकारों से होगा, सरकार उनकी माँ बाप है। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की, गरीब के परिवार में हो या अमीर के परिवार में, उसको इंटरनेशनल लेवल की, वर्ल्ड क्लास लेवल की बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देने की सरकार की जिम्मेदारी है। और तो साथियों, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, मैं तो आपको कहने आया हूं कि पंजाब का एजुकेशन सिस्टम आम आदमी पार्टी को दे दीजिए, उसको बदल के दिखा देंगे। पंजाब का एजुकेशन सिस्टम आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। पंजाब का एजुकेशन सिस्टम आम आदमी पार्टी के लिए एक मांगने आया हूं मैं आपसे, उसको ठीक करके दिखा देंगे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। हेल्थ सिस्टम दे दीजिए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, सारी दुनिया में तारीफ हो रही है, अमेरिका के तक के अखबारों में लिखा जा रहा है कि अमेरिका की सरकार को सीखना चाहिए कि आम आदमी का इलाज कराया कैसे करते हैं, क्या कराया हमने उसमें। मैं आपको बताता हूं, कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, उन्होंने लिखा है सारे देशों के लिए कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से सीखो आम आदमी का इलाज कैसे किया जाता है। क्या किया हमने, दो लाइन में आपको बताता हूँ। इतना बड़ा मोहल्ला क्लिनिक, जितना बड़ा ये मंच है उससे दोगुना होगा, वहां पे आज पूरे पंजाब में और दिल्ली में लिए हालत थी। कोई आदमी बीमार होता है तो सोचता है डॉक्टर के पास जाऊंगा, 250 रुपए लग जाएंगे, 250 रुपए दवाई के, 500 रुपए टेस्ट कराने के लग जाएंगे, 1000 रुपए की चपत लग जाएंगे, इसलिए जाता नहीं डॉक्टर के पास, जाने से डरता है। हमने इसका इलाज निकाला मोहल्ला क्लिनिक, हमने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, उनमें एमबीबीएस डॉक्टर फ्री में इलाज करते हैं, लोगों का फ्री का डॉक्टर इलाज करते हैं, सारी दवाइयां फ्री में, सारे टेस्ट फ्री में, 200 तरह के टेस्ट फ्री में होते हैं। और आज पिछले 8 महीने में 100 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में काम कर रहे हैं, 20 लाख लोग अपना फ्री में इलाज करा चुके हैं, केवल 8 महीने पूरी दिल्ली। इसीलिए अमेरिका के अखबार दिख रहे हैं ना, इसीलिए कोफी अन्नान साहब को देखना पड़ रहा है ना, ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। वही चीज हम दिल्ली में 1000 करवा रहे हैं, पंजाब के एक एक गांव में ऐसी मोहल्ला क्लिनिक खड़ी करवाएंगे जहां पे एमबीबीएस डॉक्टर देखेंगे, जहां पे फ्री दवाइयां मिलेंगी, सारे टेस्ट मिलेंगे। जब मैं कहता हूं भगवंत भाई की पंजाब के गांव गांव में होंगे, तो कांग्रेस वालों ने सवाल उठाया कैसे करवाओगे, पैसा कहां से आएगा। उनका सवाल तो जायज है, लेकिन हमारा जवाब भी जायज है, दोनों सुन लीजिए। वो क्यों सोचते हैं और हम क्यों सोचते हैं, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी 15 साल, उन्होंने वहां पर मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनवाए, उन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनवाए थे, थोड़े से क्या बनवाया था, जितना बड़ा ये मंच है इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनवा दी, छोटी छोटी सी, उसमें कोई डॉक्टर नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई दवाई नहीं, बस बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी। कितने रुपए में बनाई, 6 करोड़ रुपए में बनाई, रिकॉर्ड है, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, 6 करोड़ रुपए में बिल्डिंग बनाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर की, उससे बड़ा मोहल्ला क्लिनिक दोस्तों दिल्ली में बनाया हमने, 100 मोहल्ला क्लिनिक बन गए, 1000 बनवा रहे, उससे बड़ा साइज के मोहल्ला क्लिनिक, एयर कंडीशन, कंप्यूटर लगा के, एमबीबीएस डॉक्टर वहां पे बिठाते हैं, 6 करोड़ में नहीं बनता, 20 लाख रुपए में बनता। जो 6 करोड़ में दलाली खाते बनवाते हैं, उनको पता है कि इतना पैसा सरकार के पास में होता है कि पंजाब के गांव गांव में बन जाए, जो 20 लाख में बनवा सकते हैं, उनको पता है कि पंजाब के गांव गांव में बनवा सकते हैं। तो पंजाब के गांव गांव में मोहल्ला क्लिनिक, पंजाब के हर एक सरकारी स्कूल का अपग्रेडेशन ताकि वहां प्राइवेट स्कूल से बढ़िया पढ़ाई हो, ये हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। आपसे पंजाब का एजुकेशन सिस्टम मांग रहे हैं, आपसे पंजाब का हेल्थ सिस्टम मांग रहे हैं। एक और चीज मैं कहूंगा, जब हम दिल्ली में सरकार में आए थे, तो दिल्ली में बिजली देश में सबसे ज्यादा महंगी थी, और आज सरकार में आते ही हमने 1 महीने के अंदर कर दी थी, आज देश में
सबसे सस्ती बिजली वाला राज्य दिल्ली है, दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली। लेकिन दुख होता है जान के कि आज पंजाब देश का सबसे महंगी बिजली वाला राज्य है। मैं कह रहा हूँ पंजाब में भी बिजली सस्ती करवा देंगे। जब मैं कहता हूँ करवा देंगे तो पूछते कैसे करवा देंगे, जैसे दिल्ली में कराई थी। दिल्ली में हमने बिजली कंपनियों की जांच कराई, बिजली विभाग में बहुत घोटाला होता है, बिजली कंपनियों की जांच कराई, 8000 करोड़ रुपए का घोटाला था। 8000 करोड़ रुपए, 8000 करोड़ रुपए तो ज्यादा लगता है, समझ में नहीं आता क्या हुआ। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, आपको 8000 करोड़ समझ में आ जाएगा। वो ट्रांसफार्मर खरीदती थी बिजली कंपनियां, बड़ा सा ट्रांसफार्मर होता है जो सड़कों पर लगता है, वो 4 करोड़ का मिलता है मार्केट से। 4 करोड़ में नहीं खरीदा उन्होंने, 40 करोड़ में खरीदा अपने भाई की कंपनी से। भाई की कंपनी मार्केट से 4 करोड़ में उठाती थी, बिजली कंपनी को 40 करोड़ में देती थी, और बिजली कंपनी कहती थी सर जी खर्चा ज्यादा हो गया बिजली के रेट बढ़ा दो। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, वो कहती थी हाँ जी खर्चा ज्यादा हो गया बिजली के रेट बढ़ा देते हैं, बिजली महंगी करते चले गए। इन सब चीजों की जांच कराई, 8000 करोड़ रुपए की गड़बड़ कर रखी थी इन्होंने। इनका मुकदमा चल रहा है, तब दिल्ली में बिजली के रेट आधे हो गए। आज दिल्ली के 19 लाख लोगों को दिल्ली में बिजली आधे दाम पे मिल रही है, जितना हमारे आने से पहले मिली। यही काम करने के लिए आए, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया। वोट तो जरिया है, सरकार बनाना तो जरिया है। मैं तो आपसे कहना आया हूँ कि पंजाब का बिजली का सिस्टम हमारे हवाले कर दीजिए, यहाँ बिजली सस्ती करके निकालेंगे दोस्तों। उसके लिए आए आपके बीच में, वो मांगने आए आपके बीच में। तो मैं आपसे बस यही आखिरी बात कहूंगा, लेकिन एक चीज और जिसका जिक्र हर सभा में करना जरूरी हो जाता है, पंजाब को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, पंजाब की एजुकेशन हेल्थ सिस्टम ठीक करना है, बिजली सिस्टम ठीक करना है। लेकिन एक और चीज है जिससे पूरा पंजाब दुखी है, उससे भी पंजाब को मुक्त कराना है, क्या है वो आप बताओ, क्या है? चिट्टा। सारे लोग जानते हैं पंजाब की सबसे बड़ी समस्या क्या है, चिट्टा। और चिट्टे का सबसे बड़ा कारोबारी कौन है? कौन है? उसकी जगह कहां आनी चाहिए? तो अब की बार उसको विधानसभा में नहीं जाने देना, उसको जेल में भिजवाना है। इसके लिए आया हूँ। मैंने भगवंत भाई इनसे शुरू में कहा था कि मैं आपको वोट मांगने नहीं आया, मुझे पता है जलालाबाद तो जीत रहे हैं, मैं तो आपसे ये कहने आया हूँ, मैं तो मिलने आया हूँ उन बहादुर लोगों के दर्शन करने आया हूँ जो पंजाब के सबसे खूंखार डिप्टी सीएम को हराने का मौका रखते हैं। मेरे बहुत ही प्रिय मित्र, आम आदमी पार्टी के मेरे सबको बढ़िया दोस्त, और जिन्होंने दिल्ली को एक नवी दिशा ते नवी दशा दी है। डिप्टी सीएम असल च दिल्ली च काम यही कर रहे थे, इन्होंने अगुवाई चल रही है, क्योंकि तो अरविंद केजरीवाल जी को उनका कोई डिपार्टमेंट ही है नहीं, तो ना ही सीएम है, काम ये करते हैं। परपड़गंज तो साडे एमएलए ते परपड़गंज चलो, मैनू याद है जो दिल्ली इलेक्शन हो रही है सी,
तो एक छोटा जा पोस्टर देखा मैं जिथे लिखा कि मनीष सिसोदिया की परपड़गढ़ विधानसभा में भगवंत मान की जनसभा। मेरा नाम बता लिखा है सर क्या सर ऐसा नहीं करना कहते नहीं तू एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारत की सब तो बड़ी पंचायत का मेंबर है असी सारे दोस्त हाँ असी कोई एक दूजे के बॉस नहीं है असी दोस्त हाँ एक दूजे में लड़ते नहीं हाँ कई बार लड़ाई हो जाती है किसी गल पर सारा झगड़ा भी हो जाता है पर लड़ते कहते वास्ते थोड़े वास्ते पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी 11 महीने ज्यादा कहता 8 बजे मनीष भाई 8 बजे गिनती शुरू इंटेलिजेंसी के फोन आए ने इंटेलिजेंस के अफसर ने होकर मनीष घंटे डेढ़ घंटे की काम दे बैठे उनके नाम साधे लो लेकिन टाइम का क्यों ना कहता है कहीं एक ओवर सिटी मुद्दा भी नहीं है दूसरे पास ना खत्म कर दिया इन्हें जेनोसाइड केस चल
मणिपुर पे मैरी कॉम फिल्म बनी है सर, हरियाणा पे दंगल बनी है, पंजाब पे कुर्ता पजामा, कुछ ना कुछ का गलत होगा ना, कुछ ना कुछ का गलत होगा ना। सुनो एक दिन दशा है जी, तब 21 मई 2016 नशा मुक्ति केंद्र ब्रैक च लिखा केवल लड़कियों के लिए, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਦੇ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਚੁਣਦਾ ਚਾਰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਤਿੰਨ ਪੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨ ਪੈਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਚੁਣਨਾ ਚਾਤਰੀ ਤੋਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਚਿੱਟਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਦੂਜਾ ਪੈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸਿਆਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਪੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨੇ। ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਚੀਕ ਜਾਓਗੇ।